गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू वीडियो जो कि है आज हॉल के ऊपर जीएस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना छोटा सा यानी कि मिनी हॉल। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब नॉर्मल है। और ये जो मैं आपके साथ जो पहले बता देती हूँ कि अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मेकअप हॉल। एंड मैंने अभी ये पर्पल से मंगाया था और अभी मेरे को आज रिसीव हुआ और मैंने आज वीडियो बना दी क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा था। और मैंने कुछ प्रोडक्ट इसमें ट्राई भी किए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अलग अलग रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन फ्यूचर जब भी मैं इसे ट्राई करूँगी, टेस्टेड करूँगी। क्योंकि मैंने इसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मंगाए तो रीजनेबल भी हैं काफ़ी, मतलब अफोर्डेबल हैं। एंड साथ के साथ मुझे उसको टेस्ट भी करना था, मतलब उसके रिव्यूज़ तो वेबसाइट पर काफ़ी अच्छे हैं, मैंने देखे हैं, पढ़े हैं। तो मुझे पर्सनली टेस्ट भी करना था कि क्या इतने कम रेंज में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं या नहीं। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आगे दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ बताऊँगी, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो कि स्टार्टिंग 49 या 45 से, यानी कि मात्र 45 या 46 रुपये से स्टार्ट है प्रोडक्ट्स। और हाईएस्ट आई थिंक तो 400, और वो भी ऑफर में था तो मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड अगर आपकी चैनल पहली बार आ रही है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट के थ्रू अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन, नहीं मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ रैंडमली, क्योंकि मैं अगर आपको वैसे दिखाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट ये दिखा देती हूँ। मुझे ऐसे तीन प्रोडक्ट, तीन ऐसे पार्सल रिसीव हुए हैं, मतलब तीन ऐसे कार्टन में आया था। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी हुई थी और पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो purple.com से मंगाया मैंने, तो मैं अगर पैकेजिंग की बात करूँ तो मुझे पैकेजिंग तो बहुत अच्छे, मतलब उसमें कंडीशन में रिसीव हुई है। एंड चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो मैं आपको दिखाती हूँ के सारे, मैं आपको वो दिखाती हूँ, बाकी फिर रैंडमली दिखाऊंगी, ठीक है। जो स्टार्टिंग है 45 से वो दिखाती हूँ। मैंने मंगाया है ये ब्लू हेवन के आईब्रो डिफाइनर, जो कि मैंने दो शेड्स मंगाए, एक ग्रे एंड एक ब्लैक, सॉरी ब्राउन। और ये वैसे इसका जो कॉस्ट है 88 रुपीज़ है, लेकिन आई थिंक सो मुझे 49 या 45 के अराउंड मुझे पड़ा है। बाकी के मैं जो मेंशन है यहाँ पे प्राइस जो है मैं आपको दिखा दूंगी। और ये ऑफर में था तो मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई है, तो इसलिए मैंने इसको एक ब्लैक और एक ब्राउन मंगाया है। एंड इसका भी मैं आपको बहुत जल्दी रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि क्या इतनी कम प्राइस में हमें प्रोडक्ट इतने अच्छे रिसीव हो सकते हैं, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो मैंने अगेन ब्लू हेवन का ये इंसेंस आईलाइनर इजी स्केच एक्सट्रीम ब्लैक ये स्केच आईलाइनर मंगाया है। एंड ये मुझे अराउंड 90 रुपीज़ का पड़ा था, और ये वैसे इसका कॉस्ट 150 है। तो ब्लू हेवन पे बहुत अच्छी डील चलती थी, तो इसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं, क्योंकि मुझे वन ब्रांड मेकअप भी करना था, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी है प्रोडक्ट को इकट्ठा करने में। एंड 90 रुपीज़ में स्केच पेन आपको मिल रहा है लाइनर में, तो अच्छी डील है। और बाकी टेस्ट एंड रिव्यू आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी ही। चलते हैं नेक्स्ट अगेन ब्लू हेवन के लिप शेड्स पे। तो मैंने एक लिप शेड जो है लगा रखी है, जो कि ये है मैंने जो लगाई हुई है, मैंने जो लगाई है ये है रूबी रेड। इसका जो कोड है 311 में लोगों से रिव्यू में देखा था कि ये कंपेयर करती है, अगर इसको कंपेयर करें तो मैक के रूबी रेड से। तो मैंने कभी मैक का यूज़ नहीं किया, बट मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि ड्यूब है ये, उसका ऐसे कहा जाता है, तो मैंने इसलिए मंगाया। एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमें मिला है, लाइक ये 60 के अराउंड मुझे मिला है। एंड इसमें मैंने तीन शेड्स मंगाए हैं, एक मैंने चॉकलेट सुरेल मंगाया है, एक मैंने प्लम डिज़ायर एंड एक रूबी रेड। तो ये तीन कलर मैंने मंगाए हैं, और बाकी के इनके रिव्यूज़ मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है ये दो मैंने SQ के एक मैंने कलर करेक्टर मंगाया है, मतलब दो, एक तो ऑरेंज शेड में मंगाया था और एक मैंने कॉन्टोरिंग के लिए मंगाया था, जो कि इसका मैं आपको शेड दिखा देती हूँ। तो ये है, एक शेड है फ्रॉम दैट लॉन्ग ड्राइव 13 और एक है फ्रॉम दैट प्रपोजल 14। तो इनके जो ये इस तरीके से हैं, एंड ये अराउंड मुझे 90 रुपीज़ के शायद इतने के पड़े हैं, जो कि ऑफर में था, तो ये दो शेड्स मैंने मंगवाए हैं। ये देखिए, तो काफ़ी अफोर्डेबल है ये, एंड टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी मैं इसका आपके साथ पूरा रिव्यू अगेन बाद में शेयर करूँगी, जब मैं इसका मेकअप आपके साथ शेयर करूँगी। तो पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इतने छोटे से इसको कभी कहीं पे भी ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छे से स्मज हो जाता है, मतलब तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है NYBA के ये दो आई शेडोज़ मंगाए हैं। तो NYBA के मैंने ये दो आई शेडोज़ मंगाए हैं, ये है एक ब्लैक एंड एक मैंने मंगाया है, एक मिनट, इसमें मैंने मंगाया है ब्लिंकिंग आई शेडो सेंट्रल पार्क, और एक मैंने मंगाया है वुलब्रिट, यानी कि एक पिंकी स्टोन में है और एक ब्लैक के स्टोन में, जो कि ग्लिटरी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस टाइप का है। तो ये दो ही कलर ऐसे हैं जो कि हम ऑलमोस्टली अपने स्मोकी लुक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो मैंने इसलिए मंगाए हैं। वैसे इनकी कॉस्ट आई थिंक सो ये पड़ा था मुझे, वैसे इसका 125 है, लेकिन मुझे ऑफर में काफ़ी अच्छे डील पर मिल गया था, मैंने इसलिए ये ले लिया। एंड काफ़ी पिगमेंटेड है, स्मोकी लुक के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ये उसी को माइंड में रखे हुए ही मंगाया है। और पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है, ये भी ट्रैवल फ्रेंडली टाइप से है, मतलब आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो और गिरे जा रहा है बार बार।
ऊपर इसे आप ये देखिए काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे ऐसा रखते हो तो ये मैस हो जाएगा, इस तरीके से आप पैक करके रख सकते हो तो ऑब्वियस बात है कुछ ओपन वगैरह होने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और इसका भी कुछ मतलब काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी, बस क्वांटिटी थोड़ा सा मुझे लगा, बट अगर ये अभी ऑफर में नहीं लेते हैं तो आपको 125 का पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ा सा ये इसकी जो क्वांटिटी है वो कम लगी है, क्योंकि अगर 120, 120, 250 में तो आपको स्विस ब्यूटी की बहुत अच्छा पैलेट मिल जाएगा 250 में तो, बट ये मुझे अच्छा खासा मतलब ऑफर में था तो मैंने इसलिए ले लिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, जो कि मैंने लिया है SQ का स्टे कुर्की का लिक्विड फाउंडेशन, एंड इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और ये आपको एक पंप के साथ मिलेगा, तो अगेन इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसे मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये ब्लू हेवन का डिप एंड ट्विस्ट नेल रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, ये काफ़ी अच्छा, मैंने इसको यूज़ किया है अभी जस्ट, और इसका वन आप देख सकते हैं इसके अंदर ही ऐसे स्पॉन्ज टाइप का है और इसको आपको बस फिंगर डिप करना है ऐसे, और आपका जो नेल पेंट है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है इसकी, तो ये मुझे वैसे ही 75 का है तो मुझे 45 या 50 का अराउंड ऐसे पड़ा, तो काफ़ी अच्छी डील में मुझे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट मिल गए थे तो मैंने इसलिए इसको लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर रेडियंट फिनिश लॉन्ग स्टे, एंड यस इसको मैंने अभी ट्राई किया, मुझे लूज पाउडर में काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट लगा, और इसका जो MRP है मैं बता देती हूँ 135, लेकिन मुझे अगेन इसको बहुत अच्छी 40% डिस्काउंट पे मुझे ये मिला है। उसका पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आएगी इसकी पैकेजिंग, एंड क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है और प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से एप्लीकेटर मिलता है आपको, और ये और इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है, तो एक मैंने मंगाया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो मैंने मंगाया है स्टे कुर्की का, सॉरी एन वाई बी का मैंने मंगाया है ब्लू आईलाइनर, जो कि मैंने अभी जस्ट लगाया हुआ भी है, और ये मतलब मुझे पड़ा है 90 rupees या 800 rupees का, वैसे इसका MRP 160 है, बट मैंने इसको लगाया तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं लगा है, और मतलब इस अच्छे तो मुझे लैक्मे का लग रहा था कि वो ज़्यादा बेस्ट होता, बट ये ऑफर में था मैंने इसलिए लिया इसको, खैर यूज़ के लिए ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिए है ये एन वाई बी की अगेन एक लिप शेड, जो कि रेड कलर की है, ये मैट फिनिश में है, और इसका जो प्राइस नंबर है वो है फेबुलस फेमिनिन 9, और ये मैट में है, काफ़ी अच्छा मतलब इसका फॉर्मूला है ये, और मुझे वैसे भी NYBA की, मैं इससे पहले भी 2-3 जो लिप शेड्स हैं वो यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे NYBA की लिपस्टिक अफोर्डेबल भी लगती है एंड लॉन्ग लास्टिंग होती है। हाँ थोड़ा सा ये जो है जो इससे वाली पहले वाली वो मेरे को मैट लुक में थी तो वो जल्दी से ट्रांसफर इतनी होती थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ट्रांसफर हो रही है, बाकी ठीक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, फिर अच्छी है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि और इसका भी अगेन आपको फुल डिटेल में मेकअप के साथ, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने अभी बस इसको ट्राई किया, मैं हल्का सा फुल मेकअप करी थी इस वीडियो के लिए तो मैंने इसको ट्राई किया था, तो अभी मैं बहुत अच्छे से तो आपको नहीं बता पाऊंगी कि काफ़ी अच्छा है या नहीं है, बट मैंने ये मंगाया स्विस ब्यूटी का, ये अगेन मुझे 210 या 220 का पड़ा है, जो कि इसका एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 250 के अराउंड है, एंड बाकी फुल डिटेल मैं आपको रिव्यू के साथ दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी आपके आपको बहुत सारी वीडियोज मिलने वाली है। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है ये स्विस ब्यूटी का पैलेट, और मेरा जो मैंने जो शेड मंगाया है वो 03, एंड ये अल्ट्रा ब्लश पैलेट है, और काफ़ी टाइम लगा के मैंने ये मंगाया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, 1, 2, 3, तो मैं कंफ्यूज थी 1, 2 और 3 में, क्योंकि सिमिलर ही था कुछ इसमें कलर्स, बट फोटोज़ में आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलता है, तो मैंने 3 ज़्यादा प्रेफर किया। रीज़न इसमें मुझे कॉन्ट्रोलिंग के लिए भी 2 शेड्स मिल गए हैं, साथ के साथ ब्लश के लिए भी मुझे काफ़ी अच्छे शेड्स मिल गए हैं, ब्रॉन्जर के लिए भी मुझे अच्छा सा शेड मिल गया है, हाईलाइटर भी मिल गया, वैसे मैं हाईलाइटर तो यूज़ करने वाली हूँ नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर है काफ़ी अच्छा, तो इसमें 3-4 मैट में है, बाकी शिमरी लुक में है थोड़ा सा, एंड ये मुझे 399 की पड़ी है, और जो कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 499 है, एक मिनट मैं बता देती हूँ इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है, हाँ 499, एंड ये मुझे पड़ी 399 की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने डील में लिया 200 rupees इसमें, अच्छा था मुझे अच्छा खासा डील मिल गया था, एंड तो पर्पल पे ये है कि आपको ना ऑफर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने पर्पल से शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर समझती हूँ, और बाकी इन सबकी आउटलेट्स आपको अब तो ईजिली मॉल्स में मिल जाएंगे, स्विस ब्यूटी के भी आउटलेट तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, बट वहाँ का ऑफर वो डिपेंड करता है, कभी है नहीं है। एंड मैंने ये मंगाया है सेम्फी का ग्लाइड फेस रेजर, और ये मुझे यूज़ करना था क्योंकि अभी न्यू लॉन्च है, मैंने इसके रिव्यू देखे हैं काफ़ी अच्छे हैं, मैंने इसके रिव्यू पढ़े भी थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने ये मंगाया, ये 3 units इसमें आते हैं, और ये आईब्रो अपर लिप्स और चिन हेयर वगैरह इसके लिए आप अपना रेजर का यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम जब ट्राई करेंगे आपके सामने इसका रिव्यू भी अगेन शेयर करूँगी, और ये काफ़ी महंगा नहीं है, बहुत सस्ता, यानी कि 100 या 150 के अंदर अंदर मुझे मिला होगा, ज़्यादा तो महंगा नहीं है, तो उसको जब ट्राई करेंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट मैंने मंगाया था इसके साथ एक स्विस ब्यूटी का प्राइमर, जो कि मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो जैसे वो रिसीव होगा तो मैं आपके साथ स्विस ब्यूटी के भी सारे प्रोडक्ट के रिव्यू आपके साथ शेयर करने करूँगी। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया था वेट एंड वाइल्ड का काजल, जो कि मेरे पास काजल तो नहीं आया, ये आईब्रो डिफाइनर है जिसको मैंने रिफंड के लिए डाला हुआ है, एंड ये है 250 का, और इसमें ब्लैक शेड है ये, और इसमें स्पूली भी दी हुई है पीछे से, तो ये मेरे को अभी यूज़ करनी है क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 मंगा चुकी हूँ, तो मैं इसलिए इसको रिफंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वेट एंड वाइल्ड का काजल मंगाया था, तो वो जब आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो
ये था मेरा मिनी हॉल एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था, मतलब ज़्यादा महंगे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। हाईएस्ट जो प्रोडक्ट है वो 400 के अराउंड ही है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। एंड मुझे कुछ प्रोडक्ट इसमें यूज़ करने थे, कुछ प्रोडक्ट मैंने सोच समझ के मंगाए थे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, इसीलिए बाकी देखते हैं इनके रिजल्ट्स। तो बाकी देखते हैं इनके रिजल्ट्स वगैरह क्या होते हैं, इन सबके पूरे के जो जिन जिन के मैं रिव्यूज़ देना चाहती हूँ या जिन जिन की वीडियो बनाना चाहती हूँ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एंड अगर आपको इसके अलावा कोई और रिव्यूज़ वगैरह के प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो जरूर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा छोटा सा हॉल पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।